हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो लाइट एसबीआई से अकाउंट बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, योनो लाइट एसबीआई से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, योनो लाइट एसबीआई से आप अपना अकाउंट का पासबुक कैसे निकाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में लाइव करके बताएँगे, मनी ट्रांसफ़र करके बताएँगे, योनो लाइट एसबीआई से साथ ही साथ पासबुक निकाल के दिखाएँगे और अकाउंट बैलेंस चेक करके भी बताएँगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है योनो लाइट एसबीआई। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे योनो लाइट एसबीआई को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें, आपको रजिस्टर करना होगा यहाँ पे यूजर नेम से और पासवर्ड से। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड नहीं जानते हैं, अगर आप भूल चुके हैं, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। यूजर नेम कैसे निकाला जाता है, पासवर्ड कैसे निकाला जाता है, आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए हम पहले यूजर नेम डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद ये जो बॉक्स देख रहा है इसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसका नाम है इंटर एक्टिवेट कोड। तो यहाँ पे जो भी आप रजिस्टर मोबाइल नंबर बैंक में दिए हैं वहीं पे आपको एक एक्टिवेट कोड आएगा। तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा यूजर नेम और पासवर्ड से। यूजर नेम आप अपना अभी जो तुरंत डाले थे वही डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड जो अभी आप तुरंत डाले थे वही आपको डाल के यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने योनो लाइट एसबीआई का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप अगर अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पर व्यू बैलेंस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बैलेंस चेक बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1857 रुपये यहाँ पे 9 पैसा मेरा है अकाउंट में। तो ये हो गया अवेलेबल बैलेंस, आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें मनी ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक ट्रांसफ़र। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेंड मनी यूजिंग अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी नाम, यानी कि जो भी व्यक्ति को आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आपका जो भी व्यक्ति का अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे कन्फर्म बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, यानी कि कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, वही जो आप ऊपर में डाले थे अकाउंट नंबर। ये डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी IFSC कोड, यानी कि आपके पासबुक में मिल जाएगा IFSC कोड। जो भी व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपको IFSC कोड आप यहां पे दे सकते हैं, जो भी आपका IFSC कोड है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं और मनी ट्रांसफ़र करके भी अभी तुरंत बताएंगे। तो ये यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं अमाउंट टू ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे। तो ये देने के बाद उसके बाद यहाँ पर रिमार्क का एक ऑप्शन है। रिमार्क का मतलब है कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका जैसे 10 रुपया भेजना चाहते हैं 10 रुपया भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद सारा कुछ डिटेल भरने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। कन्फर्म है कि नहीं है सारा कुछ डिटेल, अकाउंट नंबर IFSC कोड आप कन्फर्म करके यहाँ पे आप अच्छी तरीके से एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कन्फर्म करेंगे। तो कन्फर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जो भी आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP आएगा, उसको OTP को यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंट द OTP पर आपको क्लिक करके फिर से OTP मंगा लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो
या आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक ट्रांसफर फॉर 10 रुपया ऑन 31 मई 2020 इज सक्सेसफुली ट्रांसफर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है योनो लाइट SBI से ट्रांसफर किए वो जो है सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे ओके करके हम इसको बैक चले जाएंगे। बैक आने के बाद उसके बाद हम आपको बोले थे कि पासबुक कैसे निकालेंगे, पासबुक कैसे देखेंगे हम अपना अकाउंट का। तो आप भी इसी तरीके से जो हम इस प्रोसेस में इस वीडियो में बताएंगे आप भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसी तरीके से, और आप जो हम आपको बताएंगे कैसे आपको पासबुक निकालना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको पासबुक निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पर माई अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एम पासबुक लिखा हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है व्यू एम पासबुक, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपके सामने जो है पासबुक जितना भी आप जब से खाता खुलाए होंगे तब से आपका यहाँ पे पासबुक निकल जाएगा, चाहे आपका 2 साल हो गया है चाहे 1 साल हो गया, सभी का यहाँ पे जितना आप ट्रांजेक्शन किए हैं सभी का यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि पासबुक यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो जितना भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं जब से आप अकाउंट ओपन करवाए हैं तब से यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिल जाएगा पासबुक में। उसके बाद ये है फर्स्ट पेज, उसके बाद यहाँ पे 3 पेज दिखाया गया है जब से हम अकाउंट खुलवाए हैं तब से यहाँ पर 3 पेज में मेरा जो है स्टेटमेंट है यानी कि पासबुक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके जो है दूसरा भी पेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दूसरा पेज निकल गया, यहाँ पर पेज भी लिखा हुआ 2। उसके बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये 3 पेज हो गया। तो यहाँ पे 3 पेज मेरा है, 3 पेज में पूरा स्टेटमेंट है, पूरा पासबुक है। तो आप पासबुक निकालना इस वीडियो में सीख गए। उसके दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप इसी तरीके से योनो लाइट SBI को यूज कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ पासबुक भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। तो अगर कोई भी सवाल या सुझाव है अगर आपके मन में इस वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके फॉलो करके आप हमें पूछ सकते हैं। और तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।